ज़्यादा ऑयल लेट आने के तो इसके अंदर सुगर सिरप नहीं जाएगा और अंदर पकेगा भी नहीं सही से। तो मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही इसमें ऑयल हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा मैदा ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि बराबर हो जाए ये। तो अब बराबर हो गया है, इसको मैदा गूंथ लीजिए आप। मैं अभी ये बालूशाही का जो आटा है ये बना दिया हूँ। बना देने के बाद इसको मैंने क्या है, छोटा छोटा एक बॉल की तरह ले लेके उसको अपने हथेली से गोल गोल करके अपने अंगूठे से इसमें एक होल बनाना है। तो अभी देखो मैंने जिस तरह बनाया है इस तरीके से इसको बनाना है, इसी तरीके से एक एक करके अभी पूरा बना देना है आपको। तो ये पूरा बना देने के बाद क्या करना है ना, इसको फ्राई करना है। तो अब ये इसको बना लीजिए इस तरीके से। अब मैंने पूरा बालू से बना दिया है। इसके बाद मैंने अभी अपना ऑयल जो होता है तेल थोड़ा गरम कर दिया हूँ। गरम कर देने के बाद अब इसमें डाल रहा हूँ। तो इसको क्या करना है अभी, ये इसी तरीके से इसको मीडियम मतलब तो स्लो ही आँच रहना है, इसको फ्राई करना है धीमे आँच में। इसको 5 से लेके 7 मिनट तक फ्राई करना है। जब देखें इसका कलर सुनहरा कलर हो जाए यानी कि गोल्डन कलर हो जाए इसको आप निकाल लीजिए। और निकालने के बाद शुगर सिरप बना के शुगर सिरप कुछ देर के लिए डाल दीजिए। जब ये पूरी तरीके से शुगर सॉक लेगा इसको निकाल देना है।